हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हिबिस्कस प्लांट को आपके साथ शेयर करेंगे, देशी और हाइब्रिड वैरायटी का। तो कैसे मेरे प्लांट्स चल रहे हैं इस टाइम, तो आप लोग देखिए, अभी भी फ़िलहाल बहुत अच्छे से चल रहे हैं देशी वैरायटी के मेरे प्लांट। और ये ठिकोमा भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। और ये देखिए, ये भी देशी वैरायटी का है, रेड कलर का हिबिस्कस। अभी इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर का साइज़ भी सही है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हुई तो अभी भी ये प्लांट अच्छे ही चल रहे हैं। और ये मेरा दूसरा है, तो थोड़ा सा कलर में थोड़ा ही बहुत फ़र्क है। तो ये भी हिबिस्कस मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये कुछ बिगोनिया है, इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी खासी स्टार्ट है। और ये मेरा ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है, ये भी डबल पैटर्न का है, तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसमें भी बीच बीच में फ्लावरिंग हो रही है, तो अभी फ्लावरिंग बंद नहीं हुई है पूरी तरीके से, कि जब बहुत ज़्यादा ठंड आने लगेगी देशी में कुछ कमी हो जाएगी, लेकिन प्लांट जो है परमानेंट आपके बने रहेंगे। और हाइब्रिड में तो फ्लावरिंग चलती ही रहेगी। तो देखिए, मेरा ये फुल सन लाइट में ही रखा हुआ है। और ये इधर ये जो पीच कलर में है डबल पैटर्न का, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। इसमें भी फ्लावरिंग अभी भी चल रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जैसे देशी में चल रही है, लेकिन एक दो फ्लावर खिल रहे हैं और काफ़ी हैवी ब्लूमिंग होती है। ये पूरी तरीके से अभी खिला भी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फुल सन लाइट में ही रखिएगा। और जो है पानी की थोड़ा कम ही दीजिएगा, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है। अभी भी बड्स इसमें बनी हुई है, तो थोड़ा टाइम लेती है जब डबल पैटर्न के और बड़ी बड्स बनती है, तो इसी तरह से थोड़ा टाइम लगता है। और ये भी मेरा हिबिस्कस देशी है, इसमें भी बहुत सारी बड्स, कलियाँ और फ्लावरिंग अच्छे से चल रही है, अभी भी हो रही है। अगर कटिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं, हाइब्रिड देशी दोनों की। मौसम बहुत अच्छा है तो अच्छे से चल जाएगा, तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में, तो अच्छे से आपकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी इस मौसम में। और उसके बाद जब जो है 2 महीने के बाद थोड़ा सा हीट बढ़ेगी, तब ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और जो है ग्रोथ भी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मेरे कुछ कुछ जो है देखिए मॉस रोज भी खिल ही रहे हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, एक दो खिल जाते हैं फुल सनलाइट जहाँ पर मिलती है। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करिएगा।